सबके लिए एक मतलब सूरह फातिहा और की मतलब सूरह इख़लास तिलावत फरमा कर दिया कीजिए पूरे परिवार में सुबह से शाम को। اللهم صل على محمد وعلى محمد القادمين। एक ऐलान है हमारी बहन वाली मजलिस बहन की तरफ से कि उन्होंने जाहिर है ऑनलाइन मजलिस की पे हो रही है तो तबल्लुक अपने आप से जाहिर है मोमिन मौजूद हो तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उन्होंने माशाल्लाह से एक ऐसा काम अंजाम दिया है जो हम सब के लिए माशाल्लाह से जजाय कैद है। जनाब सैयद सलाम अल्लाह की जानिब से उन्होंने जितना भी तबर्रुक हम लोगों को लिखे जो शिवकाय महफिल हैं मजलिस हैं तो हमारी जानिब से उन्होंने वो डोनेट कर दिए हैं जो नीडी फैमिलीज हैं उनके लिए। तो हमें माशाल्लाह से सबको आप सबको सुनने वालों को शामिल होने वालों को जो है वो डबल डबल माशाल्लाह से सवाब होगा कि उन्होंने इस नीयत से ये तबर्रुक जो उन्होंने मोमिनीन के हमारे हिस्से में है तो वो तबर्रुक के लिए से उन्होंने नीडी फैमिलीज को हदिया कर दिया है। तो उनकी और हमारी तौफीक और बरकत के लिए एक बड़ा तरीन सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। आज एक्चुअली बिजली की वजह से पावर की वजह से फिर से काफी लोग जो है वो यहाँ पर जो है काफी लोग बिजली नहीं है भारत समुखसर और एक हमारी बहन है मुसलमान मोमिना मुसलमान बहन है उनके लिए खास जो है वो दुआ सेहत के लिए अपील की गई है। और मैं हमेशा मजलिस के आगाज में इसलिए की मतलब जी जो है बदलाव करवाती हूँ ताकि सबके लिए जो जहाँ भी हॉस्पिटल में घरों में है सबके लिए परवरदिगार की जात से उन्हें सेहत कामला और आदिला फरमाए। मुझे दरख्वास्त है कि जी अगर आपके माइक्रोफोन खुले हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए क्योंकि मेरी आवाज का टैको होती है तो फिर वो डिस्टर्बेंस का होगा। इसके दौरान बड़ी मेहरबानी तो तीन मतलब मेरे साथ अम्मा जी जो है वो तलाश हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जल करम अम्मा जी व मुस्तफा इदा दाहु यक्शिफु सू अम्मा जी व मुस्तफा इदा दाहु यक्शिफु सू أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وسيدنا ومولانا يد القوس محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما شاء الله سي محرم الحرام کی یہ دوسری مجلس عزاء जो इनकार किया है परवरदिगार की जात से दुआ है कि आज की इस मजलिस के इख्तिताम से पहले उनकी तमाम तादरी हाजात को मुस्तजाब फरमाए। इलाही आमीन। और
परवरदिगार की जात से ये तमाम सब दुआ है कि जितने भी श्रोताएं मजलिस हैं और जो किसी वजह से नहीं भी शरीक हो सके, परवरदिगार की जात से दुआ है कि कायनात में जहां जहां मोमिन मोमिनात मुस्लिम और मुसलमान मौजूद हैं सबके मुहम्मद अलैहिस्सलाम के सब के लिए आजाद कबूल और मुस्तजाब दुआ फरमा दे। लोगों की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलावत भेजे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह से कल गुफ्तगू इस मकाम पर रुकी थी। जैसा कि आपको मालूम है, इल्म है कि हमारा शेयर मजलिस का मौजू सूरतुल इखलास। तो कल की गुफ्तगू सूरह इखलास पर, इखलास के माने क्या है और फिर तमाम कर दराजात को अबूर करते हुए हम इस मकाम पर रुके थे कि अहद के मकाम पर के वाहिद में और अहद में फर्क। कल की तारीफ यानी कि डेफिनेशन बताई गई थी। अब हमने उस अहद और वाहिद के असरात जो अल्लाह सुबहाना व तआला अपने हबीब के जरिए से हम तक पहुंचाना चाहता है, हम उस असरात को अपने अमाल में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और हम क्या समझें, हम किस तरह से इखलास के समंदर में डूब कर वहां से मोती और जवाहर किस तरह से इकट्ठे करें, किस तरह से हम मंशाए इलाही यानी कि अल्लाह की मंशा क्या है वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश होगी इस अशरे मजालिस में इंशाअल्लाह कि हम कुछ ना कुछ इस इन तमाम तक अशरे मजालिस में बल्कि मुहर्रम अल-हराम से लेकर सफर अल-मुज़फ़्फ़र से लेकर रबीउल अव्वल तक जितनी भी मजालिस मौला हुसैन हो तो हम कुछ ना कुछ इल्म के मोती जो है वो इकट्ठे करें और उन्हें अपने अमाल में ढालने की कोशिश करें इंशाल्लाह। तो वाहिद और अहद, वाहिद अल्लाह सुबहाना व तआला ने कुरान पाक में अपने आप को वाहिद भी कहा, अहद भी कहा। वाहिद कहाँ कहा? जहां पर गिनती के लिहाज से 360 भूत जो थे उनका तस्किरा किया गया तो वहां अल्लाह ने कहा कि कहो मेरे हबीब के वो अल्लाह एक है, वहां पर वाहिद। आहद कहां इस्तेमाल किया खुदावंद ताला ने? आहद जब तौहीद और इखलास की दर्जे पे हम पहुंच गए तो अल्लाह कहता है अब यहां पर तुम इखलास के साथ आ गए, खुलूस नीयत के साथ आ गए, अब यहां पर कोई ऐसी जिहत नहीं होगी कि जिसका कोई दूसरा पहलू हो जाए यानी दूई हो जाए, हालत चेंज होकर कोई दूई आ जाए। मौला फरमाते हैं दूई का मतलब है आपको कल अच्छी तरह समझोगा तो अल्लाह से अब हम अहद की शरह करेंगे। कल हमने तारीफ की थी, डेफिनेशन की थी बयान, आज हम इंशाल्लाह मैं एक तालिब इल्म हूँ तो इस तालिब इल्म की कम इल्मी की हैसियत से जितनी भी मेरी जो ताकत होगी हिम्मत मौला ने दी है कोई औकात नहीं है बीबी के दर का सबका है, हम इंशाल्लाह शरह करेंगे अहद की। तो अहद मौला फरमाते हैं जब दुनिया से तीन में जंग पीक पर थी तो एक किसी ने पूछा मौला अली से कि अहद के माने क्या हैं। पूछने वाले लोग ये भी नहीं देखते थे जगह कौन सी है, सिर्फ उनको ये होता था कि हम आले मोहम्मद की किसी ना किसी तरीके से फसीलत दिखा। जंग पीक पर हालांकि मौला के सहाबियों ने कहा कि तू जानता भी ये वक्त क्या है, लेकिन पूछने वाले जो सवाल ही होते थे वो ब्लैकमेल ही करते थे कि ये तो ईमान है हमें पता है कि ये हुज्जत है, मानते थे इस अहमियत को, जानते थे कि हुज्जत हुआ है और क्या जानते थे कि ये जवाब जरूर देंगे इनसे सवाल किया जाए कि ये शरीयत में ड्यूटी है अल्लाह ने इनकी ड्यूटी दी। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मौला ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा उस मौके पर और वो जुमला आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि मौला का मतलब क्या था। मौला अली पाक साहब फरमाते अगर मत रोको इसे सवाल करने से, अगर ये अहद का मतलब जानते होते तो ये माविया की फौज जो मेरे वर्सेस है सिफीन के मैदान में तो ये मुझसे जंग ना करते। इतना खूबसूरत जवाब मौला ने दिया और फिर मौला ने उसकी भी तशनगी में ईरा ने दी जिसने सवाल किया होता मैं अर्ज कर चुकी। चार मुफूम मौला ने बताए, क्या बताए थे? मौला फरमाते हैं कि अल्लाह अहद, अहद क्या है? यकता अलोन अकेला, वाहिद है एक। जब एक का तसव्वुर आता है तो एक जो है हाफ और हाफ होके एक बन जाता है, हालत बदल गई ठीक हो गया। और एक अगर हो उसका आधा भी हो सकता है और दो का आधा भी एक हो सकता है तो जो जहत बदले इसी तरह से आगे चलते हैं। अल्लाह ना मुरक्कब है, मौला फरमाते हैं ना वो काबिल तकसीम है, वो हमारा खुदा नहीं है,
वो तकसीम नहीं हो सकता। और इसके अलावा मौलाना फरमाया सूरह शौरा में अल्लाह की जात फरमाती है आयत नंबर 11 है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फातिरु समावाति वल अर्द जअलनकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व मिनल अनआमि अज़वाजा यज़रअकुम फी लैसा कमिस्लिही शै लैसा सभी ने लैसा का मतलब बिल्कुल नहीं लैसा कमिस्लिही शै क्या तर्जुमा है सारे आसमान और जमीन का पैदा करने वाला वही वही है फातिरु समावाति उसी ने तुम्हारे लिए और तुम्हारे ही जिंस के जोड़े बनाए और चारों पांव के जोड़े भी उसी ने बनाए इस अंदाज में तुमको पहनाता रहता है और कोई चीज उसके मिस्ल नहीं। मौला फरमाते हैं ना उसकी कोई मिसाल है ना उसकी कोई मिसल है। मिसाल कभी अर्ज किया था कि किसी चीज को किसी चीज की तरह कहा जाए अल्लाह को हम नहीं दे सकते मिसाल अल्लाह की अल्लाह की मिसाल माशाल्लाह किसकी तरह और ना उसकी मिस है उसे जो कायनात डिजाइन की है पहले से कोई चीज मौजूद ना ठीक हो गया। अब ये फलसा मिसल और मिसाल को अब चलते चलते ये है कि मौला ने फरमाया हमें मौला अली ने ये तौहीद का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा यहाँ पर रुक कर इस मकाम पर रुक कर फतह मक्का के मौका पर अब हमें ये बातें समझ आने लगी कि अगर आप कनेक्शन करें कि फतह मक्का के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को जो खाना काबा में बुत थे उनको तुड़वाने के लिए गिराने के लिए सिर्फ मौला अली का इंतखाब किया। ये अब मैं अहद की शरह करने लगी हूँ बड़े गौर से सुनिए बड़े मेहनती जुमले हैं मैंने बड़ी इस पर मेहनत की है इंशाल्लाह आपके दिलों में जरूर उतरेंगे। और मौला अली का इंतखाब की हालांकि फतह मक्का के मौका पर जब सब तरफ इस्लाम जोरदार फैल चुका था बहुत से लोग कन्वर्ट हो चुके थे रसूल पाक ने किसी बुजुर्ग को नहीं कहा भी आ जाते देना से कलाम रसूल ने मौला अली का इंतखाब किया कि ये भूतों तोड़ने वजह क्या थी वजह सुन लीजिए वजह ये थी कि वहां पर जितने भी कन्वर्ट हुए थे मुसलमान उनके कोई ना कोई भूत मौजूद थे समझा गए। अगर रसूल पाक किसी और का इंतखाब करते तो इस किसी और का तो बुत गिराते गिराते किसी के दिल में अपने बुत के लिए कोई हमदर्दी ना आ जाती कि हाय ये मेरा बुत था अल्लाह अकबर अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है रसूल भी जानता बड़ी तवज्जो। अली मौला को रसूल ने इसलिए तकर्रुर किया उन बुतों को गिराने के लिए कि पूरी की पूरी तारीख छांट ले पूरा चैलेंज है हमारा पूरी की पूरी तारीख की किताबें अहले शिया और अहले सुन्नत वल जमात फाइनल की किताबों से कोई ये कह दे कि अबू तालिब के घर में भी कोई भूत था या अबू तालिब ने भी माशाल्लाह काबे के अंदर कोई भूत रखवाया था तो जब अबू तालिब ने नहीं रखवाया तो अबू तालिब के बेटे का भूत नहीं हो सकता क्योंकि अली मौला की पेशानी माशाल्लाह माशाल्लाह ये मिसाल मौला के शान शयान नहीं है हमारे छोटे दिमागों को समझाने के लिए किसी के आगे नहीं झुकी जाते दिलों से कलाम है। अब रसूल अब ये रावी कौन है अबू हुरैरा ये हदीस के रावी अबू हुरैरा से रिवायत है मनकूल है अबू हुरैरा से मनकूल है कि फतह मक्का का टाइम था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने मौला अली से कहा अली क्या तुम देख रहे हो कि यहाँ पर बुत हैं अल्लाह के घर में कहा जी जी मौला जी या रसूल अल्लाह मैं देख रहा हूँ कहा तो चलो फिर अली मैं तुम्हें उठाता हूँ मैं बिल्कुल वही रिवायत पढ़ूंगी अपनी तरफ से इसमें डाल दूंगी मैं तुम्हें ऊपर बुलंद करता हूँ तुम इन बुतों को नीचे उतारो गिरा दो। एक मरतबा अली मौला ने एक एक जुमले के ऊपर आप देखे ये हमारी हदीस नहीं है अबू हुरैरा की हमारे भाइयों की हदीस है वहां से मैं इस्तिफादा हासिल कर रही हूँ। और उन्होंने कहा रसूल पाक ने कि ए अली मौला अली फरमाते हैं या रसूल ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको बुलंद कर जाकर दिलों से कहा तो रसूल पाक ने एक जवाब क्या दिया कहा कि रबी और मगर के कबीले जो है अगर वो मेरे बदन के किसी अजार को उठाना भी चाहे मिलकर तो मेरे किसी अजार को उठा नहीं सकते लेकिन या अली ये जुमला है कि अबू रावी कहता है कि रसूल ने कहा कि या अली तुम मुझे उठा सकते हो अल्लाह अकबर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि अली तू मुझे बुलंद कर सकता है रसूल पाक ने दोनों ही मसले हल कर दिए। रसूल पाक ने पहला मसला ये हल किया कि इमामत को सिर्फ नबूवत उठा सकती है और नबूवत को सिर्फ इमामत उठा सकती है सुभान अल्लाह। तो ये दोनों बार ऐसे हैं कि ये एक दूसरे ही उठा सकते हैं किस्सा मुख्तसर। अब रावी कहता है रसूल पाक ने
अली मौला की पंडलियों पर हाथ डाला और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, कितना बुलंद किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजुओं की नीचे सफेदी, बगलों की सफेदी नजर आने लगी। जाते दिलों से कलाम है। और जब बगलों की सफेदी नजर आने लगी तो रसूल पाक ने कहा, या अली क्या देखते हो? अभी इसको बताने के लिए हमें और आपको रावी कहते हैं, रसूल ने कहा अली क्या देखते हो? अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, खुदावन ताला ने आपके जरिए से मुझे इतनी करामत बख्शी है कि मैं आसमान को भी छू सकता हूँ। रसूल पाक ने कहा, अच्छा अली फिर ऐसा करो, इन भूतों को पकड़ो, गिरा लो। अब अली ने जैसे ही भूतों को पकड़ा, उठाया, तो भूत तो आए नीचे जमीन पर, मौला अली भी नीचे जमीन पर आए, लेकिन मुस्कुराए। अब मुस्कुराते हुए रावी कहता है, रसूल ने कहा अली मुस्कुराए क्यों? बड़ी तवज्जो इस जुमले पर, अली तुम मुस्कुराए क्यों? तो अली मौला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, काबे की बुलंदी से नीचे आया हूँ और मुझे चोट भी नहीं लगी, मुझे तकलीफ भी नहीं हुई। रसूल पाक का एक जुमला मैं सत्य और कुरान हो जाऊं इस हदीस के अल्फाज पर कि रावी कहता है, एक मरतबा रसूल ने कहा, अली तुझे तकलीफ कैसे हो सकती थी? उठाया तुझे मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने था, तुझे नीचे लाया जिब्रील था। जो आयात में जो अल्फाज है उनका, जो उसके अंदर जो असरात है, उनके अंदर जो छुपे हुए राज है, उनका कुछ पता चलेगा तो पता चलेगा इखलास क्या है, तभी तो हमारे अंदर इखलास पैदा होगा। अब आगे चलिए, ये 300, अच्छा यहाँ पर रुक कर हम एक सवाल करते हैं। 360 भूत थे, ठीक है, जिनकी वो पूजा करते थे उस वक्त के मक्का के लोग काफिर। क्या मसला क्या था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं खुदा को मानो, तो एक और ऐड कर लेते, 361 हो जाते। बड़ी तो जब इस गुफ्तगु पर दिल पे लिखी गई ये बात, 360 भूत थे, उनकी इबादत करते थे, एक रसूल पाक का भी जो था, जो है खुदा, वो ऐड कर लेते तो 361 हो जाते। मसला क्या था? मसला ये नहीं था, इसलिए कि कुरान, बड़ी तवज्जो, क्योंकि कुरान और पैगंबर, यानी पैगंबर और कुरान, यानी अल्लाह का पैगंबर का, यानी कुरान का मुतालबा ये नहीं था, सुनिए, कि अल्लाह को मानो। मुतालबा क्या था? मुतालबा ये था, ला इलाहा फिर था इल्लल्लाह, गौर से सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुतालबा ये था, अपने इन झूठे खुदाओं को छोड़ो, ये बातिल माबूदों को छोड़ो, फिर तौहीद की बात। अल्लाह अकबर, जागते दिलों से कलाम है। मुसीबत इसलिए उनके लिए ये मुसीबत थी, अगर खाली मुतालबा ये होता ना, तुम अल्लाह को मानो तो जाओ, 360 को मांगोगे, अल्लाह को ही मानते नहीं। ला कलमे, और आज हमें इस चीज के ऊपर गौर करना है और खौज करना है कि ये ला इलाह जो है, ये है क्या? इसी में इखलास भी है। ला इलाह यानी अपने इलाह का, इलाह का मतलब क्या है? बात, इलाह का मतलब है जिसकी इबादत की जो, तो ला इलाह का मतलब हो गया कि जितने भी माबूद तुम्हारे हैं। अच्छा यहां पर ऊपर एक जुमला और कहूं, खाली बुतों की पूजा से ममनू नहीं था कुरान और अल्लाह का मुतालबा, रसूल का मुतालबा ये था कि खाली बुतों की पूजा छोड़ दो, क्योंकि अगर बुतों की पूजा से मना करना होता तो होता ला सनम, पर आगे होता इल्लल्लाह, सनम कहते हैं बुत को, ये कलमा नहीं है। हमारे कलमे तो इसी में इखलास है, ला इलाह है, यानी इसका मतलब, क्योंकि अगर कलमे में माशाल्लाह, मैं अपनी तरफ से एक मिसाल दे रही हूँ, अगर ला सनम इल्लल्लाह होता तो इस बुत जो थे वो डिफरेंट कैटेगरी के थे, कोई इक्तदार का बुत था, कोई जिस तरह हिंदुओं के है ना, वो देवियां हैं, देवता हैं, कि ये अजाब देता है, ये कहते हैं मदद करता है, ये इनको रिलीज बांटता है, इन्होंने अपने बुतों के जिम्मे ये सारी ये चीजें की हुई है, स्टेटस है उनके बुतों के। इसी तरह के अरबस्तान के बुतों के भी स्टेटस थे, ये इख्तदार का बुत है, ये फाइनेंस का बुत है, ठीक है कि नहीं? तो अगर खाली बुतों की पूजा से होता
तो कलमे में ला सनमा नहीं हुआ, कलमा है ला इलाह। इलाह का मतलब यह है तुम्हारे नफूस के अंदर जितने भी बातिल माबूद हैं उनको पहले छोड़ो फिर कहो इल्लल्लाह, यानी उसके बाद तुम तौहीद की बात करो। तो इस लिहाज इसका मतलब ये हुआ कि झगड़ा और लड़ाई जो थी वो इल्लल्लाह पे नहीं थी, वो ला इलाह पे थी। वो अपने बातिल माबूदों को छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको छोड़ के, क्योंकि खलूस और खालिस, यानी कि अब यहाँ पर एक और जुमला कहूँ कि जो लोग कहते हैं ना हम इनको भी मानते हैं, यानी अल्लाह ने पसंद नहीं किया कि उनको भी मानो और मुझे भी मानो, तो जो लोग कहते हैं हम इनको भी मानते हैं हम उनको भी मानते हैं, तो ये दीन हमारा नहीं है, ये तो अकीदा है ही नहीं और होना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि जब मानना है तो इखलास के साथ मानो। ये दो मुल्लाओं में मुर्गी, दो कश्तियों में पांव रख के चलने वाले लोग समंदर में बीच में मझदार में तो गिरते हैं। इसलिए तो हम अपने हम फिका जाफरिया वाले हम दलील के साथ बात करते हैं। तो रसूल पाक की सारी जिंदगी जो गुजरी है ना वो मक्का में, क्यों इतनी बड़ी ज्यादा लाशें देखी, जंगे हुई, वो ला इलाह पे गुजरी। ला इलाह क्यों हुई है? इल्लल्लाह हुआ मगर मदीने में नमाज रोजा ज़कात फुरूए दीन सारी मदीने में हुई है। मक्का ला इलाह के ऊपर सारी जंग थी, इसलिए इतनी इतनी सख्तियां झेली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसका मतलब तौहीद के दो जुज हो गए। पहला जुज ये है कि झूठे और बातिल माबूदों का इनकार करो, और दूसरा जुज ये है फिर उस एक अल्लाह को मानो, यानी अल्लाह को एक मानो और अल्लाह के सिवा किसी को ना मानो। ये है तौहीद का दूसरा जुज। अब आइए देखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कौन से असरात। इसमें इखलास को हमने तलाश करना, किस किस्म का इखलास होना चाहिए। अल्लाह सुभाना तआला ने आखिर हमें एक क्राइटेरिया दिया है, हमें एक पूरे का पूरा अकीदा दी है। आइए देखें तो सही ये सूरह तौहीद क्या क्या रही है। सुभानअल्लाह, ये मैं अहद की जो है वो तशरीह कर रही हूँ। अब सूरतुल असर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका मतलब यह है कि बेशक इंसान हर इंसान घाटे में है, मगर सिवाय इल्ला का मतलब क्या है? सिवाय किन के? जो ईमान भी लाए हमारे साले भी किए, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ इल्ला से पहले जो कुछ भी है वो घाटा है, और इल्ला के बाद जो कुछ है, बड़ी बड़ी गुफ्तगू जो है बड़ी सब मिराज पे है इंशाल्लाह। मौला के सदके में आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों का मजमा हमने सुन रहा है, माशाल्लाह मौला आपकी और हमारी तौफीक में बरकत अता फरमाए, इलाही आमीन। मेराज की माशाल्लाह से मजलिस है, जितने का जितना नफा है क्या है इल्ला से पहले, जितने का जितना नफा है इल्ला के बाद। सूरह तीन की तरफ आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादा अल-बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रद्दनाहु अस्फला सआफ़ीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात। यानी कि अल्लाह जहन्नुम में डालेगा इंसानों को, मगर सिवाय इनके आमन वअमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए अमल सालेह किए। इसका मतलब इल्ला से पहले घाटा है, इल्ला के बाद क्या है? नफा है। इसी तरह आगे चलते आइए, कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इल्ला से पहले क्या है? बातिल माबूद है, इल्ला के बाद जो है खालिक हकीकी है, हक सुभानहु व तआला है। इसी तरह आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी मशहूर आयत है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, यानी इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रसूल है। अभी समझ में आई? और प्लेन वर्ड्स में कहूं, ये इल्ला इतना अल्लाह ने सुभाना व तआला ने रखा कि इल्ला से पहले जितने की जितनी भी चीजें होंगी उनकी नफी, और इल्ला के बाद उस जो हक है यानी कि ईमान है उसका इकरार है। इसीलिए ग़ज़वा उहद में ज़ुल्फ़िकार जब नाज़िल हुई तो अल्लाह ये कहता हुआ, जिब्राइल कहता हुआ तलवार को लेके आया, ला फता इल्ला अली, यानी कि इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद हक है। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत,
बार सलामत करके याद ही करने वालों को मौला आपके हमारे तौफीक का में बरकत का समय बड़ी जल्दी जल्दी गुफ्तगू को अगले मराहल पे ले जाते हुए। अब ये इल्ला जो है ये है, इसमें हमने खलूस दिखाना, इसमें इखलास दिखाना, हम अकीदा बनाते ही। अब और मैं तफसीली गुफ्तगू थोड़ी सी और एक मिसाल दे दूं हदीस के साथ। माशाल्लाह आज हमारी बच्ची ने माशाल्लाह अपने वालिद गिरामी के साथ तिलावत फरमाई है, मौला सलामत रखे, और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत सोज और सलाम हमारी बहनों ने मसीहा जिन्होंने ड्यूटी दी, इंशाल्लाह मौला इनको जजाए खैर दे। सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह करीम उनकी दुआएं जो है सबसे पहले कबूल करता है मौला। और जो जो मेरी बहनें बैठी हैं जिन्होंने जिन्होंने भी दुआओं के लिए रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है, हमारी मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह की बारगाह में हमेशा पेश कर देती हूँ। परवरदिगार की सबकी दुआएं कबूल और मुस्तजाब अता फरमाए। हदीसे किसा जो तिलावत है, क्या है हदीसे किसा? हदीसे किसा में अल्लाह सुभान व तआला की जात ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम कुरान पाक में नहीं खाई। हदीसे किसा में कब खाई? जब सब के सब रसूल पाक ने अपनी पूरी फैमिली को, गौर से सुनिएगा, दिल पे लिखिएगा, पूरी की पूरी अपनी अहले बैत को, जब मखदूमा कौनैन भी किसा के नीचे आई है ना, तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि इन्नी मा खलक्तु समा मबनी औला कमर हिया औला कमर बुनी औला शम्स मुतिया वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला कुल यसरी इल्ला फी महबती हाउलाइल खमसा इल्ला इल्ला फी महबती। यानी अल्लाह कह रहा है कि सारी कायनात जो बनाई है, सूरज चांद और ये बहते हुए दरिया, फिरता हुआ आसमान, ये चलती नदियां, ये सारी की सारी बनाई है इल्ला फी महबती हाउलाइल खमसती, इन पांच के, यानी ये चादर के नीचे पांच हैं, अल्लादीना जो तहतल की साह हैं, इन पांच की मोहब्बत में बनाई है। यानी इल्ला से पहले क्या है अल्लाह बताना ये चाह रहा है, इल्ला से पहले है कुछ भी नहीं, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। यानी चादर तदहीर के नीचे जन्नत है, चादर तदहीर जन्नत के ले जाने वाले वारिसीन है। अभी भी समझ ना आए तो हम किस तरह से कहें, प्लेन लफ्जों में कहो, अल्लाह कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में तुम मुझे इखलास दिखाना चाहते हो ना, तो अल्लाह सुबहाना व तआला रास्ता भी दिखा रहा है और अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता है मैं कुछ भी ना बनाता अगर इनको ना बनाता। यानी अल्लाह बताना ये चाह रहा है अगर तुम इनकी मानोगे, इनकी इताअत करोगे, गोया तुमने मेरी इताअत की, बस यही तो इखलास है। अब हम तो फैसला ये हुआ हम अकीदा बनाते हैं इल्ला के बाद, इल्ला के पहले, इल्ला से पहले क्या है? इखलास। इखलास कहाँ है? पहले माबूद को तर्क करो, फिर तौहीद का इकरार करो। अच्छा, आपने यहाँ पर रुक कर सूरह इसरा की आयत नंबर 79, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, असा अन यबअसका रब्बका रब्बुका मकाम महमूदा, असा अन यबअसका रब्बका मकाम महमूदा। क्या मतलब है? तर्जुमा ये है अन करीब आपका परवरदिगार उसी तरह आपको मकाम महमूद तक पहुंचा दे। अन करीब इसको कह रहा है अल्लाह सुब्हान व तआला रसूल पाक को। ये मैं अहद की तशरह कर रही हूँ, अहद अहद ज़हन में रखिए, या किता अलोन अकेला, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब आपका परवरदिगार इसी तरह आपको क्या करेगा? मकाम महमूद तक पहुंचा देगा। मकाम महमूद कहती है कि कयामत, मेरा नबी कयामत के दिन मसनद शफाअत पर होगा। मकाम महमूद क्या है? ये मसनद शफाअत है, यानी जहां पर नबी पाक हमारी
शफात करूंगे। ठीक हो गया। और अल्लाह कहता है कि मेरे हबीब मैं तुझे मकाम महमूद पर बिठाऊंगा। अच्छा, महमूद जो है वो अल्लाह का नाम है। तो जो है कलिमात सिखाए थे जनाब आदम को, क्या कहा था जनाब आदम ने, अंता महमूद हाजा मोहम्मद अंतल आला हाजा अली, पांच वो जो समाज सिखाए थे पुराने पाक में। मैं उसके रहेंगे नहीं जा रही दिल में, मुझे अपने टॉप पे रहेंगे। तो महमूद है अल्लाह का नाम, ठीक है, और मोहम्मद है रसूल पाक का नाम जो महमूद से मशतक है, अल्लाह के नाम से निकला। महमूद का मतलब, महमूद का मतलब काबिले तारीफ कम, मोहम्मद का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। अब हैरत में ना पढ़िएगा, पढ़ना तो चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ अब हैरत में पढ़ू। मोहम्मद का मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया, महमूद का मतलब है बस कम तारीफ की गई, कम। महमूद है अल्लाह का नाम, फिर सुनिए, अल्लाह का नाम है महमूद, कम तारीफ किया गया। रसूल का नाम है मोहम्मद, बहुत ज्यादा तारीफ किया गया, ठीक है। वजह क्या है, अल्लाह अपने आप को महमूद, और उस मकाम का नाम भी रखा मकाम महमूद, और कहा तुझे ऐ मेरे हबीब तुझे बिठाऊंगा मकाम महमूद पर, बस जागते दिनों से कराऊंगा। नतीजा आपको देने लगी, आपकी हैरत और ज्यादा मैं नहीं रखूंगी। देखें, अल्लाह का है महमूद, कम तारीफ किया गया। मोहम्मद का मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया, इसलिए कि मोहम्मद की तारीफ की है अल्लाह ने, और जब अल्लाह तारीफ करेगा मोहम्मद की तो वो अल्लाह ही तारीफ कर सकता है, तो क्या तारीफ होगी। इसलिए कहा बहुत ज्यादा तारीफ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मोहम्मद की तारीफ क्या है, और महमूद का मतलब है कम तारीफ वाला। सारी की सारी मखलूक, अंबिया, मुर्सलीन, चरिंद, परिंद, हम सब जितने भी अल्लाह की तारीफ करने वो कम है, लेकिन मोहम्मद की तारीफ जब अल्लाह करेगा तो वो होगी तारीफ, सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। सुभान अल्लाह, ये फर्क है मेजर। अच्छा, अल्लाह मकाम महमूद पर जब अपने रसूल को बिठा दे तो मेरे हबीब मकाम महमूद पे आएंगे। अब मकाम महमूद पर गौर से सुनिएगा, अहद को जमीन रखिए कि अल्लाह सुभान व तआला ने कुल्हुवल्लाह में अहद क्यों इस्तेमाल किया। अब मकाम महमूद महमूद पर रसूल पाक के लिए, ठीक हो, अल्लाह तो आने से रहा, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देता, जिसमें जिस्मानियत नहीं रखता, हमारा ईमान है। तो अब जब रसूल को आए बढ़ा दिया जाएगा, अब रसूल अकेले नजर आ रहे हैं, जबकि वो अहद है, कौन, अल्लाह, अल्लाह अकेला है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तो अब जब यहां मोहम्मद अकेले इस मकाम महमूद पर है, तो परवरदिगार हम कहते हैं कि तौहीद को बचाने के लिए किसी को तो भेज, जाकर दिलों से कलाम है, मोहम्मद है अकेला, लेकिन अहद सिर्फ तेरे लिए है, वो जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता परवरदिगार। तो परवरदिगार ने अपनी तौहीद की हिफाजत के लिए आवाज़े कुदरत यही आएगी मेरी तौहीद को बचाने के लिए कि मोहम्मद अकेला ना रहे यहाँ पर, तो अल्लाह किसी को लिबाउल हम्द यानी वो परचम देकर मोहम्मद के साथ उस मकाम महमूद पर भेज कर ये बताएगा कि अहद सिर्फ मेरी साथ है, सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला। अब यहाँ पर रुककर अपनी मार्फत एक जुमला कहूँ और बस फजाइल के आखिरी दो जुमले, उसके बाद मैं इंशाल्लाह मसाइल की तरफ आ जाऊंगी। आप ये देखिए, आप समझ में आया कि अल्लाह ने तौहीद को बचाने के लिए अहद के लिए तकर्रुर किया अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का। आप हदीस समझ में आई कि क्यों कहा था रसूल ने या अली आपकी मिसाल सूरह तौहीद जैसी है, सूरह तौहीद जैसी है, सूरह इखलास जैसी है, जिसमें एक मतलब, इसलिए कि अल्लाह ने अपनी तौहीद की हिफाजत के लिए परचम लिवाल हम्द देकर मकाम महमूद पर अली को भेजा, इसीलिए उस अली से बुत भी 360 बुतों को तोड़वाया भी। अब समझ में आया कि जिसने एक मतलब रसूल ने कहा
सूरह तौहीद तिलावत की, उसने 1/3 कुरान खत्म किया, जिसने 2 मर्तबा तिलावत की उसने 2/3 कुरान पाक खत्म किया, जिसने 3 मर्तबा की उसने पूरे का पूरा कुल का कुल कुरान को खत्म किया, वो अली जो मकामे महमूद पर अहद को बचाए तौहीद को, अल्लाह वो रसूल अल्लाह उसके लिए हदीस बयान कर रहे हैं कि जिसने अभी तेरी विलायत को जुबान से इकरार किया, गोया के उसने ईमान का 1/3 हिस्सा पा लिया, जिसने जुबान से और दिल से इकरार किया उसने तेरे ईमान का 2/3 हिस्सा पा लिया, बस जिसने आंख से जुबान से दिल से पूरे के पूरे जिस्म से तेरे विलायत का इकरार किया अली उसने पूरे का पूरा ईमान पा लिया। जिन्होंने हमें वाहिद और तौहीद सिखाई, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद हमसे हमारे सामने मनवाई कहीं भी इन हस्तियों ने, तो जिन हस्तियों ने अल्लाह का तआरुफ करवाया जैसा अल्लाह चाहता है, बस बहनों अज़ादारान मुख्तरमात यही इखलास है, अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो और अल्लाह सिर्फ अल्लाह ही की मानो। इन हस्तियों ने क्या हमें पैगाम दिया कि अल्लाह को मानो तो बस और बस अल्लाह ही की मानो, हमने किसी और की नहीं मानी। जब अल्लाह कह रहा है कि इनकी इताअत करो तो ये मेरी इताअत होगी, तो हमें अपनी मर्जी से ना हाकम बनाने चाहिए, ना खलीफतुल्लाह बनाने चाहिए, और ना ही हमें अपनी तरफ से अहादीस को घड़कर अल्लाह माअज़ल्लाह अल्लाह के अहकामात को अल्लाह की सुन्नत को तब्दील करना चाहिए। ये है इखलास कि अल्लाह इखलास सिर्फ ये नहीं है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है लेकिन अल्लाह को मानना है कि वो एक है, तो कैसे मानेंगे, जुबान से अल्लाह को अमल में डाल लेंगे कि अल्लाह, जब हम अल्लाह ही मानेंगे तो फिर हम अल्लाह को मानेंगे, सारा फलसफा ये है बस। अब थोड़ी सी सहमत आपको, सूरह मरियम की एक आयत मुबारका, कहते हैं कि ये आयत इतनी जलाली और सख्त थी कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई तो कहा जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए। पहले मैं आयत तिलावत करती हूँ आपके सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह मरियम की आयत नंबर 71। हुक्म ये है अल्लाह का कि वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, तर्जुमा ये है और तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे जहन्नुम के किनारे हाजिर ना होना हो, अल्लाह कि ये तुम्हारे रब का हतमी फैसला है। ये हतमन क्या होता है, ये जो हतमी फैसला, अल्लाह बड़ी जलालियत है कि रसूल पाक जैसा नबी घबरा गया। हतमी का मतलब होता है होकर रहे, जिसको जिसमें कोई चेंज ना हो, हतमी फैसला फाइनल। जब कहा जाता है घर में देखा, अजवाज के घर देखा, अजरा ने मुहतरमात ये जो रिवायत में पढ़ने लगी ना, पढ़ने से पहले भी मैं बहुत रोई हूं और यकीनन ये रिवायत आप भी सुनेगी तो आप भी अभी करेंगे। बस इसी से मैंने मसाइल को मुतसिल करना है। रसूल पाक को बेटी के घर देखा नहीं थे,
अजवाज के घर में देखा, नहीं थे सहाबियों ने एक दूसरे के घर में देखा, शायद किसी दोस्त के घर में हूँ, लेकिन उसने पाप नहीं देखा। बड़े परेशान रहे ढूंढते ढूंढते, अब ये ओहद का जो पहाड़ था उस तरफ को चलने लगे, पीछे ओहद के पहाड़ के पीछे की जगह थी ग्राउंड की। कहा जाता है, रिवायत कहती है कि एक चरवाहा देखा, उस चरवाहे से पूछा कि तूने रसूल पाक को देखा? उस चरवाहे ने कहा कि मैंने तो रसूल पाक को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह जाने उस पहाड़ के अंदर पीछे एक गार है, मेरी बकरियां सुबह से उस गार के मुंह पर बैठी हैं पर आंसू बहा रही हैं, सुबह से मेरी बकरियां बैठी हैं उस गार के दरमियान में आंसू बहा रही हैं। ये चरवाहे ने जब कहा, सारे के सारे सहाबी हुए, और चरवाहे ने ये भी कहा कि मेरा अंदर जाने का मुझ में हौसला नहीं पैदा हुआ, फिर अंदर जाऊ मुझे ताकत नहीं थी, इतनी जलालत है गार के दहान पर। हिस्सा मुख्तसर, तमाम के तमाम असबाब जो है वो उस गार की तरफ। अब ये रिवायत कहती है कि ये सारे के सारे असबाब जो है अंदर जब गए हैं गार के अंदर, तो एक मतबा देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, और बराबर एक जुमले का, अभी आया मुबारक ज़हन में रखिएगा कि हर एक को जमीनों के किनारे से गुजरना, और रसूल पाक बारहा तकरार कर रहे थे, परवरदिगारा मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श। अब किसी भी सहाबियों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो रसूल पाक को इंटरप्ट करें, रसूल पाक को कहें कि या रसूल अल्लाह घर चलिए, कितने टाइम कितना टाइम हो गया आप यहाँ पर। किसी के अंदर हिम्मत भी, इतनी जलालत थी उस जगह पर कि रसूल अल्लाह का रसूल जिस तरह से रोकर सजदे में दुआ कर रहा और तकरार कर रहा। अब सहाबी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कहा रसूल पाक को कहे कौन, उठाए कौन? तो एक सहाबी ने कहा, देखो अल्लाह करे ना ये जुमला कह दो, ऐसा करते हैं इनकी बेटी को लेकर आते हैं, इनकी बेटी को लेकर आते हैं, इनकी बेटी जो है सिर्फ वो ही इनको उठा सकती है। ये सोचकर हमारे दिल मगमूम हो जाते हैं रिवायत की इस जुमले पर कि आज यही मुसलमान ये जानते थे कि रसूल अपनी बेटी के कहने पर उठेंगे, और कल वही मुसलमान उस बेटी के दरवाजे पर आग लेकर चले गए। मुझे पता आप पेश जाते आपको जजाए खैर दूं, हुसैन की माँ आपको इतना अजर अजीब जो आपको कहा जाता है कि बस ये एक मरतबा चले जनाब सैयदा के दरवाजे तक आए, जनाब सैयदा दरवाजे तक आई और कहा कैसे हम होगा, कहा कि आपकी हमें मदद की जरूरत है। बीबी ने कहा क्या मदद कर सकते हैं? कहा कि आपके बाबा जो है वो गार में है, हमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही और बकायदा वो सजदे में, हमारे भी किसी ने हिम्मत नहीं कि उनको उठा सके, आप हमारे हमारे साथ चलिएगा। बीबी ने चादर ली, बुरका ओढ़ा, नन्हे नन्हे दो बच्चों को साथ लिए, मौला अली भी साथ हमरा चले। जब ये गार के दहाने में पहुंचे, जनाब सैयदा ने तशरीफ ले गए, उनकी रिवायत कहती है कि जनाब सैयदा ने जो रसूल जहां पर सजदे में थे और कह रहे थे कि परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, बीबी ने दरमियान में ही कहा बाबा बाबा उठी घर चली। ये सिर्फ जनाबे सैयदा कह सकती थी, बाबा उठिए घर चलिए। रिवायत कहती है जैसे जनाबे सैयदा ने कहा, जनाबे रसूल खुदा ने सर उठाया, सर उठा के कहा बेटी फातिमा मैं घर तब जाऊंगा जब मुझे जमानत मिल जाए कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देगा।
बस दिलों पे काबू रख के हमने पूरी बस हिम्मत के साथ तवज्जो के साथ ये जुमला सुनने का। रसूल कहता है सैयद मुसलीम कि मुझे जब तक जमानत नहीं मिलेगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे फातिमा में घर नहीं जाऊंगा। एक मर्तबा महदूमा फरमाती है बाबा उठ के घर चलिए मैं जमानत देती हूँ आपकी उम्मत की बख्शिश मैं करूंगी। अल्लाह हू अकबर अजर को मिलो अल्लाह कहा बाबा घर चले तो अल्लाह के हतमी फैसले को भी जो अल्लाह की बार हमने बदलवाने उसे फातिमा से लाते अल्लाह हू अकबर। ये वही फातिमा है ना जो कि कहती हुई दुनिया से नहीं कि मैं बाबा अगर आप मुझ पे इतने जुल्म हुए कि अगर वो दिनों पर पढ़ते तो रातों की स्याही में गुजर जाते। ये फातिमा तो ज़हरा के जिंदगी के अल्फाज थे शहादत से पहले के लेकिन शहादत के बाद भी इस बीबी को सुकून नहीं लेने दिया उम्मत ने जिस उम्मत की गारंटी जनाबे सैयद अपने बाबा को दे रही है। बस शर्म न कीजिए इसलिए कि किस्मत से ही मुझे मुहर्रम की आजादारी के दिनों में नसीब हो गए। बस शहादत के बाद इस बीबी को चैन न लेने दिया। याद है ना कि जब मौला हुसैन वलीद के दरबार से होकर आए और वलीद ने यजीद का पैगाम सुना दिया कि बैठ कर मौला हुसैन वापस आते हैं एक मरतबा आकर जनाबे सैयदा ज़ैनब बेचैन दरवाजे पर खड़ी और देख रही इंतजार कर रही हूँ। एक बड़ा प्यार था खुदमा को इंशाल्लाह सारे मसाइबों में थोड़ा थोड़ा करके हम जरूर जिक्र करेंगे। दरवाजे पर बहने हुसैन की खड़ी सैयदा ज़ैनब। जब मौला हुसैन वापस आए ना ज़ैनब ने कहा आपको हम के नहीं आधी रात को रात की इस पहर में बुला एक मरतबा मेरा मौला हुसैन कहता है ज़ैनब बहन बहन ज़ैनब अब मदीना रहने की जगह नहीं है ये मुझसे मेरे नाना का शहर भी है जो है वो छीन लेना चाहते हैं अब ये मुझे यहाँ पर नहीं मिलने देंगे इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना का शहर हुरमत वाला शहर है इज्जत वाला शहर यहाँ पर खून रेजी हो। अच्छा हुसैन दीदी मुसल्ले पे कहते हैं हुसैन तू गमगीन क्यों है हम चाहेंगे यहाँ से वापस आएंगे। मौला हुसैन रो के कहते हैं ज़ैनब तू वापस आएगी लेकिन हुसैन वापस नहीं आएगा। किस्सा मुख्तसर उलमा बुजुर्ग उलमा और किताबें मख्तर की किताबें कहती हैं कि जब मैं सारे मसाइल जो हैं थोड़े थोड़े मसाइल जो हैं मैं मुख्तसर इख्तसार के साथ पेश कर रही हूँ। कहती हैं कि मौला हुसैन ने जब इरादा कर लिया मदीना छोड़ने का अब मौला हुसैन जो है वो अपने नाना की कब्र पर जाकर ज़ियारत करनी है और रुख्सती किस तरह लेनी है। उलमा कहते हैं कि मौला हुसैन जब नाना की कब्र मुकामा की तरफ गए है ना तो मौला हुसैन ऐसे जा रहे थे जिसका कोई बड़ा जरनैल कोई चमजू कोई बादशाह जो है वो पांव उठाता हुआ पड़ता फिर अपने भाई हसन की कब्र मुताहरा से इजाजत मिलने गए ज़ियारत हो गए। और उलमा कहते हैं कि यही मौला हुसैन जब माँ की कब्र की तरफ कहता है तो ऐसा लगता है कि छोटा सा बच्चा अपनी माँ की तरफ कदम उठाते हुए जाता है कहता है सलाम अलैकुम अम्मा ऐ मेरी माँ मेरी गिरामी मेरा सलाम कबूल करे। रावी कहता है जैसे हुसैन ने सलाम किया अरे कब्र मुताहरा से जवाब आया वालेकुम सलाम या मरियम तैयार हो गए रुख्सत इजाजत दे रही है बाहर अमारियां तैयार हो रही हैं
एक मरतबा बीबी सोहरा ने जब सबसे कह दिया, मौला हुसैन से भी कह लिया, अब कहा बीबी उमर आपसे कि मुझे मेरा भाई मेरे भैया ले सड़क को मुझे दे दो, नहीं इसको गोद खिलाऊंगी, इसका ख्याल करूंगी। इतने में जब गोद में एक मरतबा लिया ना, तो बीबी उमर बाप ने लेने की कोशिश की, सबर लेने की तारीख कहती रवायत। यहाँ बीबी सुगरा फातिमा सुगरा कहती है, अगर ये जिसके ये अपनी मर्जी से जाए तो आप ले जाइएगा। अब एक बीबी सैयदा ज़ैनब ने सब बीबियों ने बारी बारी शहजादा अली असगर को अपनी गोद में लेने की कोशिश की। रिवायत ये मौला अली असगर फातिमा सुगरा से चिपक जाते थे। आखिर में मौला हुसैन आए थे, अल्लाह ने मौला हुसैन ने शहजादा अली असगर के कान में कुछ सरगोशी की। जैसे ही सरगोशी करते थे शहजादा अली असगर ने फातिमा सुगरा की गोद को छोड़ा, मौला हुसैन की गोद में चले गए। बस तैयार होगी बड़ा ही भरपूर था कि जहरा और अली जहरा की बेटियां भी साथ जा रही है। एक मरतबा जब हमारी तैयार होगी सब बीबियां सवार हो गई। मौला हुसैन कुर्सी पर बैठे देख रहे हैं, मौला हुसैन ने कहा बस सब तैयार हो गई सब बैठे। एक मरतबा मेरा मौला गाजी आंखों में आंसू भर गए। सैयदा ज़ैनब के हुजूर की तरफ इशारा करके कहता है, मौला ने नाम नहीं लिया, मैं कहा कि आपका सब इशारा करके कहा कि वो अभी नहीं आई। एक मरतबा रिवायत कहती है, वो कहते हैं कि मौला हुसैन मिलने के लिए सैयदा ज़ैनब को गए। जाकर मौला हुसैन कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अहलन नबूव अहलन बैतन नबूव। सैयदा ज़ैनब कहती है तो हुसैन, लेकिन आज सवाली की तरह क्यों बात कर रहा है? आवाज में शांत कहती हुसैन, मेरे हुसैन ये आप हो। मौला हुसैन ने एक मरतबा कहा, बहन ज़ैनब, अगर नाते का दीन न बचाना होता मैं कभी आपको लेकर न जाता। सारा काफ़िला तैयार है, बहन ज़ैनब आप तैयार हो? इधर बीबी ज़ैनब ने कहा, मैं अभी चादर लेके आती हूँ। इधर औलो मोहम्मद दौड़े, इधर सैयदा ज़ैनब जैसे उठी अपनी मस्जिद से इधर बुरका लिया। अरे दया हाल दहलीज से चौखट में रखा, जब रखा ना तो जल्दी से और भाग कर आए। इधर जनाबे मोहम्मद भाग कर आए, दूसरा बाज रखा। इधर मखदूमा ने पहला पांव दहलीज के बाहर रखा, अकबर दौड़े हुए आए, इधर पाया रखा और दौड़े दौड़े हुए इधर माना अंदर वापस आए। कितनी देर में मखदूमा जब चुपने लगी, मक्का की हवेली से काफिला जरा दूर था, काफिला सदर दरवाजे तक था। इधर मौला अब्बास ने सारे का अपना सबसे आमामा उतार कर पूरे मोहल्ले की बस्ती की खिड़कियां बंद करवाई। एक मर्तबा कहने लगा, मेरा मौला हिजाब हिजाब अली और मजदूर की बेटी तशरीफ ला रही है, मेरी आंखों से भी तशरीफ ला रही है। मैं कहती हूँ मौला अब्बास, यहाँ पर ही जाओ क्योंकि सबकी खिड़कियां तरह दरवाजे बंद करा दिए अपनी मखदूमा के लिए। अरे कल उस शाम बाजार कुमार शाम में क्या होगा, कुमार बाजार में क्या होगा, लगन तो जो अपने ईमान की शहादत के लिए बड़े महमूम है, हमारे बच्चे ईमान को जल्दी भेज दे ताकि हम अपने बच्चे ईमान के सामने करें सोलों का बदला। जनाबे सैयदा इस वक्त सबके पास मौजूद है,
तुझे स्नान कर हमारे भक्ति इमाम कर हमारे भक्ति इमाम के सरूर में ताजीर कर हमारे भक्ति इमाम को सिर्फ सलाम दिया ताल फरमान परवरदिगार हमारे भक्ति इमाम के सब सलाम ने हमें दुनिया और आखिरत में शामिल शुमार ताल फरमान दे हमारा खात्मा भी इमाम और खात्मा भी खैर ताल फरमान दे यानी वो तो मसीह के भी गुलाम थे अली इब्न अबी तालिब हैं और मौला हुसैन पाक कसम की रफात तक और शफा मसीह पर तक फरमा दे फिर कभी मौला अपने प्रियों मिल को या बारी का बानी है मजलिस में जिस रूप से भी इस मजलिस में है काम किए और जितनी भी शुरकानी मजलिस में नहीं भी है परवरदिगार सब की इजाजत को और मुस्तजाब अता फरमा दे तो भी अपने हाल जाने वाला चल देवी ना ख्वाहिश मत है बीमार है हमें शिफाए कामला अता फरमा दे जो रिस्क के लिए परेशान है रिस्क अता फरमा दे जो औलाद के लिए परेशान है सब उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे जो रिश्तों के लिए परेशान है नेक और सालेह रिश्ते अता फरमा दे किसी किस्म की भी परेशानी है जो लबों पे नहीं आ रही ज़हन पे नहीं आ रही परवरदिगार तू दिलों के हालात जानने वाला है तू मुस्तजाब अता फरमा दे रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समी